यास्मिन कुकिंग को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। जी आज मैं बना रही हूँ चाउमीन हक्का नूडल्स। अगर आपको इसकी रेसिपी इंग्लिश में रिटर्न चाहिए तो आपको मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएगी। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये बनाते हैं चाउमीन हक्का नूडल्स और बताते हैं इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जी इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, रेडीमेड मसाला चिंग्स सीक्रेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, चाउमीन हक्का नूडल्स मसाला। और उसके साथ 2 पैकेट मैं इस्तेमाल करूँगी वेज हक्का नूडल्स के, और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार भी होते हैं ये। तो ये मसाला आपको किसी भी जगह पर दस्तियाब है बआसानी, और नूडल्स भी। तो इस तरह करके एक हम चाउमीन मसाला ले लेंगे पैकेट, और 2 पैकेट नूडल्स के होंगे। 4 कप सब्जियां आपने लेनी है, अपनी मनपसंद कोई सी भी सब्ज़ी ले सकते हैं। मैंने 1 कप गाजर, 1 कप शिमला मिर्च और 2 कप मैंने सब्ज़ प्याज लिया है, स्प्रिंग अनियन। तो चलिए ये बनाते हैं। जी सबसे पहले मैंने पानी रखा बॉयल होने के लिए, पानी को बॉयल आ गया। इसमें 2 पैकेट हक्का नूडल्स के ऐड कर रही हूँ। ये 2 से 3 मिनट लेते हैं बॉयल होने में, बहुत जल्दी पक जाते हैं ये और बहुत मज़ेदार भी होते हैं ये वाले नूडल्स। तो देखते ही देखते आपको पता ही नहीं चलेगा और ये तैयार भी हो जाएंगे, इतनी क्विक रेसिपी है ये। जी आप देख लें कि नूडल अच्छे से बॉईल हो गए और तकरीबन इन्होंने 3 मिनट लिए हैं बॉईल होने में, और खिले खिले बहुत खूबसूरत नूडल तैयार हो चुके हैं। अब आप इनको छन्नी में निकाल लें, पानी से निकाल दें इनको। अब आपने कढ़ाई में 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। तो इसमें सबसे पहले गाजरें और शिमला मिर्च को हम पकाएंगे, क्योंकि इनको थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, तो वो ऐड करने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको चिकन 65 की रेसिपी चाहिए, वो भी चिंग्स सीक्रेट मसाले के साथ बनी हुई, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, तो वो देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख लीजिएगा, बहुत डिफरेंट रेसिपी आपको मिल जाएंगी। जी गाजर और शिमला मिर्च दोनों गल गई हैं और तकरीबन उन्होंने 6 से 7 मिनट लिए हैं पकने में। अब आप इसके अंदर जो सब्ज़ प्याज थे वो ऐड करें और मिक्स कर लें, और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने दें ताकि ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अपनी मनपसंद कोई सी भी सब्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। सब्ज़ियाँ अच्छे से गल गई, अब आप इसमें नूडल ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद आप इसको सही से मिक्स करें ताकि सब्ज़ियों के अंदर नूडल भी यकजान हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं और खूबसूरत खिले खिले लगें। नूडल और सब्ज़ियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आपने ये चाउमीन हक्का नूडल मसाला 1 पैकेट आपने इसके अंदर ऐड करना है, और यकीन जाने कि मैं बना के ट्राई करके खा भी चुकी हूँ, बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये नूडल्स, और स्पेशली मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए हैं, और मसाला बहुत मज़े का है इनका। तो इस तरह करके आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें। जी ये रहे चाउमीन हक्का नूडल्स, वेजिटेरियन ऑप्शन, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। ट्राई ज़रूर करें और अपना फीडबैक देना मत भूलें। खुद खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, बहुत जल्दी रेसिपी बनने वाली है ये। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।